फ्रिज खोल के नहीं दिखाना? खोल के दिखा दूं मम्मी। आऊं क्या मैं रोना? एक बात बताओ, किचन में पेचकस क्या कर रहा है? किचन में पेचकस क्योंकि हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। मुझे तो ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था कि मेरे इतनी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, वो भी यूट्यूब पे। क्योंकि पिछले वाले चैनल पे मैं सच्ची बताऊँ, मैं एक साल तक मेहनत करती रही और उस पर 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, और अभी एकदम से सिर्फ 2 महीने के अंदर इतने अच्छे हो गए। मुझे तो अजीब सी एक खुशी सी मिल रही है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैंने पता टारगेट क्या बनाया था कि मैं जून तक कंप्लीट करूँगी, और अभी क्या चल रहा है जल्दी बता क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। अप्रैल का आज 17 तारीख है अप्रैल की। तो आज मैंने एक चीज़ सोची, वैसे मैंने कमेंट्स में भी आपको कितनी बार बताया कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप होम टूर के लिए बोलते हो कि आप दिखाओ आपका घर कैसा दिखता है। हाँ, मैंने कितनी बार बताया कि मेरा घर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, मत लड़ो मेरे साथ, मत बहस करो, बट आपने बोला नहीं 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 हमें दिखाओ। तो जब आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे दिखाने में भी नहीं है। तो आज मैंने सोचा, जब मैंने देखा ना कि 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैंने कहा आज हम करेंगे होम टूर। ऐसा स्पेशल भी नहीं, स्पेशल होता तो मेरे केक काटो, चलो औकात है नहीं बकवास करने की। तो आई थिंक हमें जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए अपनी वीडियो को। और क्या बोलते हैं यार, मैं अभी घर क्यों दिखा रही हूँ अपना, मीन्स को ये देख लो, मैं इसको बोला कि मेरी वीडियो शूट कर दे, पर ये बोल रही नहीं मुझे पढ़ना है। तो आज मेरी वीडियो मम्मा शूट करेगी। सो मम्मा आओ ना। मामा। अच्छा देख, मम्मी ने बोला ना काम कर रही हूँ बाबा, अब देखना। मम्मी बता दो नहीं बनानी वीडियो तो अब आओ। मम्मा चलो, मम्मा आपने जो पापा का पजामा पहना है लग तो बहुत अच्छा रहा है, पर आपने जो यहाँ तक ऊपर तक चढ़ा लिया ना, ये देखना जल्दी देखना चढ़ाया नीचे जाओ जल्दी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरी मम्मी ने इतनी चुल कर रखी थी हम दोनों में कि नहीं बनेगा होम टूर, नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत छोटा घर है। अब देखो मम्मी क्या हो गया, अगर छोटा है तो घर क्या हो गया, मैं तो दिखाऊंगी। और अब हम जाएंगे, मैं दिखाऊंगी मेरा घर है। अरे मम्मा ऐसे नहीं करते, तो क्या हो गया, जब हमारे पास बहुत बड़ा घर होगा हम उसको भी दिखाएंगे। और क्या, हमारे घर में लाइट भी है स्टेयर्स में, तो क्या मेरे घर में लाइट नहीं है? और बहुत अच्छी लाइट और गिरी भी थी सीढ़ियों पे, ये भी बता दो। इसको भी बंद कर दो, हम नीचे दिखाएंगे। अच्छा सो गाइस, अभी मुझे इतनी गंदी वाली शर्म आ रही है, मुझे इतनी शर्म वीडियो बनाने में भी नहीं आती जितनी अभी आ रही है, क्योंकि सारे लोग इतने चुल्ले हैं ये हमारा घर नहीं है, मतलब हम लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, बट हमने सोचा कि नीचे से बिल्कुल आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। छोटी 4-5 घंटे है, ये सबसे बड़ी वाली जो है ये नीचे वाले अंकल की है, जो डॉन है हमारे घर के, डरते हैं। उसके बाद है पर हमारी स्कूटी यहाँ पे है नहीं। मोटरसाइकिल में क्या होता है, ये हमारे ऊपर वाले अंकल की है जो वो पुलिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे घर में बहुत एडवांस लाइट है, मतलब अंकल ने इतना अच्छा सिस्टम कर रखा है कि अगर अंदर जाओ तो लाइट जलती है, अभी लाइट का वो वेट करते हैं जब बाहर चलते हैं। टाइम 15 मिनट के बाद हमारी लाइट बंद हुई है, अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ बिना टच के। ये हमारा फ्रिज, खोल के नहीं दिखाना? खोल के दिखा दूं मम्मी? आऊं क्या मैं रोना? यार क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रखा है, अब मैं तुम्हें होम टूर दिखाऊंगी, मैं तुम्हें फ्रिज टूर थोड़ा ना दिखाऊंगी। नहीं मम्मा कौन देख, अब हमारे घर में बच्चे अब देखो डरा, इनको डराती हूं। इधर आओ
मम्मी आएगी ना डंडा लेके, तो जैसे हमारे घर के पास ही रहती है, मम्मी अगर ब्लॉग देख रही हो तो मेरी फाड़ देंगी, कोई बात नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इस कूलर की, जो कि चलता कम है पर आवाज बहुत ज्यादा करता है, इसी तो आवाज आती है इसकी, और चलता है बहुत स्लो है, बस ऐसे है ना। हम इसको बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो अगर कोई इसको 3000 से ऊपर खरीदेगा तो कॉन्टेक्ट मी। अच्छा मैं बाथरूम तो दिखाऊंगी, मम्मी होम टूर में किचन भी और बाथरूम में दिखाते हैं, फिर उनको ये लगेगा कि हमारे घर में है नहीं, मैं ऐसे बैठ के करते हैं, बाहर जाएंगे। समझा करो प्लाज। अब मैं दिखा दूं सोफा। हाँ, अब हम सोफा दिखाओ, ये है हमारा प्यारा सा सोफा, एक सेकंड, अब देखो बहुत प्यारा है, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करते हैं अपने गमले की, जिसके ऊपर बस हमने लड़ी ऐसी फेंक रखी है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। सर ये हम लाए थे, बहुत अच्छी, ये दिखा देना जो तू चला के लाई थी। लाओ देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाओ। ये PVR से, मैं RRR मूवी देखने गई थी तो मैंने चुपचाप एक रख लिया था, तो भैया ने बोला 2 महीने का, मैंने सीट पे छोड़ दिया, मैं भाग गई बाहर लेके, क्योंकि मैंने सोचा था मैं घर जाके 3D मूवी देखूंगी, और दिख गई। दिखी नहीं तो ये था बस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी क्या हो गया। मैंने पैसे भरे थे 500 रुपए इसके लिए। माई लाइफ, ये गुनगुन और मैं है, और ये मम्मा है, ऐसे करके खड़ी है, ये गुलाब दे रही है। तो ये मैं जब मनाली गई थी पहली बार, मुझे भी दिखाओ, जब मैं मनाली गई थी पहली बार तो मैंने वहां से खरीदा था। एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को जियो, लव बियॉन्ड वर्ड्स, पता नहीं, लाफ एवरी डे। उसके बाद आती है ये हम तीनों, मेरी फोटो, ये गुन्नू की फोटो, और ये मामा की फोटो, और ये हमारी फटी हुई दीवार, क्योंकि हम इस पे टेप चिपका चिपका के गंदा करते रहते हैं। आपने देखा होगा गुन्नू यहाँ पे खड़े होकर वीडियोस बनाती है, और ये पूरी मेरी मेहनत है, मैंने लिखा है अपने हाथ तोड़, एक ही बार लिखा तो खुश मत हो। ये एक ऐसी चीज है, ये जब भी मम्मी को दिखता है ना, मम्मी मुझे इतना सुनाती है, क्योंकि ये मैंने 1300 रुपए का मंगवाया था अमेज़न से, और ये कोई काम नहीं आया, हमने बस इसमें लड्डू वड्डू रख रखे हैं। ओके, उसके बाद ये है हमारी टेबल। यार लोग मुझे नहीं मालूम, सच्ची मैंने आज तक किसी का होम टूर देखा ही नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि लोग कैसे दिखाते हैं, कैसा होता है, तो मुझे बस जैसा दिखाना आ रहा है मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमारी केतली है, जो कि हमें कोलैबोरेशन से मिली थी मुझे, और ये मुझे अच्छी लग रही है, और इसके साथ एक कप है, इसमें हमने कभी चाय नहीं पी, क्योंकि मम्मी ने बोला था ये अच्छे ही टूट जाएंगे। ये हमारे है 2 couches, और ये हमारा है छोटा सा मंदिर जिसको अभी हमने बंद किया हुआ है, और यहाँ पे है हमारा मटका पानी पीने का, यस, जो कि इसमें बहुत चप्पल आ रही है। तो एक बात में पता, 50 गिलास करके रख देती है, नौकर समझा हुआ है, 50 हमारे घर में भी नहीं है, बर्तन तो पर रेनू मांझती है, तो भाई एक बार चली जाती मांझ के, फिर तो कोई और ही मांझता होगा। हाँ, पापा। अब मैं उसके बाद आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो इंडियन घर में होती ही होती है। एक बात बताओ, किचन में पेचकस क्या? किचन में पेचकस क्या कर रहा है? मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी यहाँ पे, देखो ये कैची क्या कर रही है किचन में, हट जाना रोना, सब्जी काटना। सबसे अच्छी चीज दिखाऊं मम्मी, ये हनी के डब्बे हैं सारे, ये जितने इतने सारे हमारे घर में महंगे वाले डब्बे नहीं, हमारे घर में ये वाले अचार के, अचार के, जैसे अचार खाली होता है तो उसके अंदर मम्मी कहती थी इसको फैट मत, इसमें हम चीनी भी नहीं रखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे रखे हैं। और हमारे घर में पास्ता भी है, हमें देखो अब तो मेरी वाली चीज दिखा दी, पास्ता। और उसके बाद आपको ये लग रहा है जो मुरमुरे का पैकेट है, जब ये खत्म हो जाएगा हम इसे फेंक देंगे, नहीं, इसमें हम चीनी रखेंगे जैसे इन सब में रखा है। मम्मी इतनी जल्दी क्यों स्पीड में छुपा रहे हो? उसके बाद आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी थी कि क्या है, ये शीट मास्क है? नहीं, ये बाबा रामदेव का कुछ गंदी चीजें, क्या है मम्मी ये कुछ नहीं है, ये मेनोपॉज के टाइम पे पी जाती है, इसका नाक केसर नाम है बस, मुझे पढ़ा क्यों नहीं गया नाक केसर, तो अनपढ़ है। फिर गेट के बाद एकदम ये हमारी कंप्यूटर टेबल है, भागवत गीता इधर, ये भागवत गीता है, ये हमारी कृष्ण गीता, पढ़ तो खोल जाओ, कोई भी पढ़ना कहाँ से बताओ, ये रुक जाए, ये नहीं पढ़ना, मम्मा तो वैसे कर रहे मन है ना, है ना मन, ये पढ़ यहाँ से, पढ़ से मम्मी यहाँ से, नहीं ये वाला वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, माँ को मेरी कसम है पढ़ो, चल चल तो यहीं पर, इस वर्ड को बता दो क्या लिखा है, नगनजीत, नगनजीत नाम है, मुझे क्यों नहीं पढ़ा है, मैं अनपढ़ क्यों रह गई। गोद में लेकर सहलाने लगी और हंस हंस कर अपने गुण क्रोध, इस प्रकार गुण क्रोध मारोगे तो नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि सामान्य स्त्रियां हैं, तो मैं सामान्य स्त्री आपको मेरी कसम पढ़ो,
ये सारे वर्ड पहले मैं सोचती हूँ ना आपको पढ़ के दिखाऊंगी तो इतना मोटा वर्ड आता है मेरे को डर लग जाता है। और मनमोहन सिंह ने अपनी भाषा की बहुत अच्छी गणना की। उसके बाद श्रीमती पंडिता रामा बाई ये हमारे लिट्टे गोपाल, मैं इनको उठा लूं। ये बहुत प्यारे हैं और इनको मैं ही लेके आई थी। ढंग से तमीज से बात कर ले, अगर छूट गए ना तेरे हाथ से तो सही कर दूंगी। नहीं छूटेंगे यार, ये बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। और इनका अच्छा आपको लड्डू गोपाल से ज्यादा प्यारे है ना, बताओ लड्डू गोपाल का इसमें क्या रखा है? इसमें लड्डू गोपाल की चटिया है प्लस उनकी बंसिया है। आई टोल्ड यू, ये देखो कितनी प्यारी चड्डी का मेरा मन करता है पहनने का। इतनी छोटी थी कि मैं आऊं इससे, ये पता नहीं इन्होंने कैसी बनाई है। पर पता है चड्डी बहुत ही और अब हम क्या करते हैं, अब हम दिखाएंगे अपनी अलमीरा, ठीक है? उसके बाद गाइस ये देखो, ये हमारी ड्रॉर्स है, मेरा बहुत मन कर रहा है। मैं एक बात बता रही हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ और ये पता है क्या करती है, अगर मैंने आज ड्रॉर लगाई ना तो ये कभी ऐसे करके कपड़ा नहीं निकालती, ऐसे पकड़ेगी और ऐसे खींच देगी सारे। मैं क्यों लगाऊं फिर और मैं दिखाने भी नहीं दूंगी। तो अच्छा हम नहीं लगाते, मैं नहीं करती है, पर मैं दिखा तो दूं। मारूंगी रौनक तुझे, मम्मी की कसम है रौनक, सब बोलेंगे इसकी मम्मी बिल्कुल ध्यान रखे। हट तू यहां से, मेरा भी मन पूरा हो गया। ठीक, मम्मा लेके आई थी 10-20 रुपए समथिंग का कुछ था। अच्छा 20 रुपीस का कुछ आता भी है इसमें? नहीं आता, कुछ आता है 20 रुपए। इधर भी चीजें हैं। इस पे लिखा है प्रेजेंटेड टू तेजस्वी राजपूत फॉर पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। और इसके पीछे लगा तुम्हारी बहन का भी भेज रहे हैं थोड़े से दिनों में, है ना? सुनो भगवान जी, मेरे फॉलोअर्स मेरे भी भिजवा दो, मेरे को बहुत बेइज्जती फील करनी पड़ती तुम्हारे चक्कर में। इसके साइड में, और इसके साइड में है हमारे कानू, ठीक है? इनकी लिपस्टिक से गुल्ली गुल्ली क्यों कर रही है? और ये देखो, अब ये है आज जो मम्मी ने बड़ी जबरदस्ती से लगाया था। और ये है हमारे पर्दे, और ये है हमारी विंडो, और ये हमारा कुत्ता हुई है। हाँ, और वो है ड्रीम कैचर, वो जो है वाइट वो है ड्रीम कैचर। खा सकती हूँ? चलो दिखा दो, कोई बात नहीं। तेरी कर तू तो दिखेगी, तू कितना ध्यान रखती है हमारी चीजों का। कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी। मैंने अभी भी गुस्सा आ रहा है, दिखा दे तेरी है। तो मैं ऐसा बताऊंगी और लाइफ में कभी बात नहीं करूंगी। रिमेम्बर दिस, रिमेम्बर की स्पेलिंग गलत है। जिस दिन तू फर्स्ट डे स्कूल गई थी, कह रही इसे अपने सबसे पहले उसमें चिपका, तो मैंने यहाँ चिपका रखा ना इसको, ताकि याद रहे। यार थोड़ी सी तो शक्ति बनती है कि नहीं? तुझे क्या लगता है? रौनक दीदी गू खाती है? मम्मी मैं गंगू भाई का डायलॉग बोल रही हूँ। ओके गाइस, सो बोला था खत्म हो गया ना घर। अब बताओ, बालकनी है, बाथरूम है, चलो आओ चेक करने एक बार। अरे क्या हो गया? अच्छा 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 अच्छा, वॉशरूम आओ। ये हमारा वॉशरूम के साथ साथ बाथरूम भी है। हाँ, ये बाथरूम भी है, वॉशरूम भी है, और क्या क्या है, ये स्टडी रूम भी है। और ये है हमारी टॉयलेट पेपर, और ये है मेरी मम्मी का शैम्पू प्रेसिंग वाले बालों का, जो कि मम्मी हमें लगाने नहीं देती, कुछ भी नहीं आता। और ये है हमारा प्यारा सा मिरर, ये पूरा मैंने काम किया है इस मिरर पे। और आपको अगर बात बताओ तो ये बहुत पुराना मिरर है हमारा, अभी बन गया। और ये है हमारी अलमीरा। कौन सी अलमीरा? ये हमारी ये वाली अलमीरा। अच्छा पहले आप ये बताओ, ये जो आप इतना उछल उछल के दिखा रही हो, इसको कहते क्या है इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में, मैंने जब आज मैं कंटेंट लिख रही थी अपनी वीडियो का, मैंने उसमें भी बोला था ये, आप क्लिपॉन्स होते हैं ये, क्लोथ्स हॉर्स। ये हमारा है वॉश बेसिन, ये टॉवल, और यहाँ पे हमने अपनी छोटी, एक सेकंड, ये टॉवल यहाँ पे कहाँ से आया? तुम लोग कितने बदतमीज हो, ये टॉवल पता कहाँ रहता है? ये टॉवल रहता है कभी तो बाथरूम में, ये रहता ही है, लेकिन तुम जैसे बेवकूफों को अगर दिखा नहीं, ये पहली बार दिखा है मैंने टॉवल यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा है नीलम माँ आई लव यू हैप्पी रोज डे, ये मेरे मम्मी को सरप्राइज देने के लिए लिखा था। सरप्राइज जयमाला है। अच्छा, ये मम्मी ने पापा को शादी में पहनाई थी। तीन चार बार ना यार इन कबूतरों के अंडे फूट गए बेचारे, मुझे इतना बुरा लगता है। पता इतनी क्यूट क्यूट घोंसले बनाते, कभी तार लेकर आते, कभी टहनिया लेकर आते। आज आजा मेरा व्लॉग है ये। हाँ, ये यहाँ पे है हमारी तुलसी मैया, जो कि हमने नहीं खरीदी थी, ये जो हमारे नीचे रहते हैं ना दिव्या दीदी वगैरह, उन्होंने मुझे दी थी है, तो ये उनकी है। और ये मम्मी का करवा चौथ का वो है, यहाँ पे उन्होंने करवा, मतलब तभी तभी है इसमें मकड़ी है और काट लेगी, डंग मार देगी एकदम। ये क्या है ये बताओ आप, ये बताइए करा किसने आपके होम टूर में, तो आपकी फोटो डालूंगी इनके साथ। अब ये बताओ ये कहाँ से आया, इतना सामान कहाँ से आया, मतलब आपको बोला था सफाई करने के लिए पर इतनी ज्यादा सामान, ये क्या, ये मतलब ये क्या चीज है मम्मी। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्या, ओए मैं एक चीज दिखाना भूल गई, मैं अमीर हूँ, रुक जा, मैं जल्दी आ सके, बट मैंने बोला कि नहीं मैं सिस्टर्स लव दिखाऊंगी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो ये बहुत छोटा व्लॉग बना है क्योंकि मैं बस दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो मैंने आपको पूरा दिखाया अपने घर का। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।